देखें वर्ल्ड कप तो मैंने पहले भी कह चुका हूँ, वर्ल्ड कप ये बहुत दूर है, उससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसके हमें देखना पड़ेगा। आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, न्यूजीलैंड की सीरीज है, तो हमें देखना पड़ेगा हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। अगर आप थ्रू आउट टूर्नामेंट में देखते हैं तो बैटिंग में जो है एलडी और हमने विकेट बहुत ज़्यादा ज़्यादा की, क्योंकि अगर आप के मिडिल ऑर्डर जो है वो नई बॉल पर चले जाएंगे तो वो स्ट्रगल जो है वो मुश्किल जाएगा। यहाँ पर लाइफ में बैटिंग जो है वो ईजी नहीं होती, लेकिन ये हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी विकेट जल्दी ना गिरें, उसके हमें काम करना पड़ेगा। उसके अलावा बॉलिंग में हमें विकेट लेनी पड़ेगी एलडी ऑन, और उसके अलावा मिडिल पार्ट में जो हमारी पाकिस्तान टीम का सक्सेस रहा है कि मिडिल्स में जो है वो विकेट ली जाए, तो वो इस टूर्नामेंट में मिसिंग रहेंगे, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अच्छी नज़र नहीं आई टीम की। देखिए ये बात भी बिल्कुल हमारे लिए बहुत अलार्म बैल है कि एकदम वो टीम को अचानक क्या हुआ, क्योंकि पिछले अगर एक साल से आप बात करें तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी का एक पहला मैच था जिसमें हम बहुत बुरी तरीके से हमने फील्डिंग भी अच्छी नहीं की, बॉलिंग भी, उसके आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड में भी हमारी एज ए टीम हम पाँच हारे लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी बैटिंग और बॉलिंग में। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एज अ कैप्टन जो है वो अलार्म बैल है कि ये सारी चीज़ें इस तरह क्या हुआ कि इतने मिस फील्डिंग हुई है, बैटिंग हमारी अच्छी नहीं हुई और सारी चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं हुई, चीज़ का हमें बैठ के देखना पड़ेगा। और आई थिंक काफ़ी कोचेज ने सब चीज़ें देखी हैं तो उसको बैठ के डिसाइड करेंगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। नहीं देखें बिल्कुल जो प्लेयर्स हैं और भी मौजूद हैं उसके अलावा, लेकिन बात यह है कि इस टीम में अभी भी मैं समझता हूँ कि ठीक है हमने एज अ टीम जो है वो अच्छा नहीं खेला, लेकिन इस टीम में काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनको अभी समझाने की ज़रूरत है। कि कुछ ऐसे प्लेयर्स अगर आप फ़खर जमान की बात करते हैं, ठीक है वो एक साल से रेगुलर खेलें लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सके इस टीम में, लेकिन हमें उनको बैक करना पड़ेगा। बाबर आजम है, इमाम ने माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, इसके अलावा शादाब है, हसन है, तो ये लड़के हैं आपको इनको लेकर चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके बेंच पे कौन से लड़के बैठे हैं, तो ऑब्वियसली सबको मौका ज़रूर मिलेगा और सेशन कमेटी ने एक पूरा पूल बनाया हुआ है तो उसमें लड़के जो है वो आगे पीछे होते रहेंगे, वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छी टीम बन जाएगी। देखें चेंजेस तो बिल्कुल होंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जो गलतियाँ की हैं एज अ टीम जो है एज अ कैप्टन, इस चीज़ को मैं भी तस्लीम करता हूँ कि मेरी खुद एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही और टीम की हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन पैनिक बटन बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़के हैं आपको इनको बैक करना पड़ेगा, हाँ ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लड़का किस पोजीशन के लिए सूटेबल है, कौन से लड़के ऐसे हैं जो कि बाहर पाकिस्तान टीम में जगह बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है टीम हारी है, इस चीज़ को हम लोग तस्लीम करते हैं, लेकिन पैनिक बटन ना बताएं, जो लड़के अभी टीम में हैं उनको बैक करें और जो लड़के आएंगे उनको जितनी सपोर्ट करेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर मैंने बताया ना कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, इसकी वजह से टीम हार गई, मुझे परफॉर्म करना चाहिए था तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी वजह से टीम हारी है, तो इस चीज़ को मैं तस्लीम कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि एज अ कैप्टन मुझे अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी, एज अ कैप्टन मैंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की जिसकी वजह से मेरी टीम हार गई। देखें एक्सपीरियंस का जो ऑप्शंस की बात है, देखें एक्सपीरियंस प्लेयर तो हमारे पास दो ही थे, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो थे ही नहीं, बाकी यंग टीम ही है और यही लड़के खेलते हुए चले आ रहे हैं और तो इन्हीं लड़कों को हमने आगे लेके चलना है और यही लड़के हैं जिनको आपको बैक करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है फ़खर जमान की अच्छी परफॉर्मेंस रही, उसका एक टूर्नामेंट ख़राब रहे तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा प्लेयर है। हाँ उसने गलतियाँ की हैं, ये उसको रियलाइज़ भी है और हमें भी ऑब्वियसली हमने चीज़ें देखी हैं, तो ये चीज़ को बैठ के देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं हमसे एज अ टीम, तो इंशाल्लाह आगे आने वाली सीरीज में बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। सरफराज तनकीद हुई नहीं कभी भी, टीम जीत रही थी, अब टीम हारी है तो आप भी तनकीद का निशाना बन रहे हैं और आपको थोड़ा सा बुरा भी लगता है,
पाकिस्तान टीम में बतौर कप्तान आपकी पिछले 15 मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही, आप समझते हैं कि विकेट कीपर भी आपने पीछे स्टैंड नहीं किया तो 2-4-6 मैचेस के लिए आपको साइड पे होना चाहिए और ताकि किसी को जगह भी मिले, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो टीम में और आपको भी थोड़ा रियलाइज हो कि आपने भी दोबारा से परफॉर्म करना है? मेरे भाई ये मेरा काम नहीं है, सेशन कमेटी का काम है, पीसीबी का काम है, तो उनको डिसाइड करने दें उनको क्या करना है। आपके पास सेशन है तो आप सेशन कमेटी को दे दें तो वो उस पर देख लेंगे जो उनको करना है। तो मेरे भाई मैंने बता तो दिया कि सिलेक्शन आपको जवाब मिल तो गया कि सिलेक्शन कमेटी है काम है, मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम खेलना है, मैं खेल रहा हूँ और खेलता रहूँगा। नहीं 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 गुस्से में नहीं हूँ, आप आराम से सवाल करें। मैं प्यार से सवाल करूंगा, नहीं अपनी बैटिंग से सवाल करूंगा। जिनेंद्र खान को आखिर चीफ सिलेक्टर ने आकर टीम में रेस्क्यू करवाया, बल्कि आकर टीम में शामिल करवाने के लिए हेड कोच को कन्विंस किया, पूरा एशिया कप जो है वो शेरमल के गिर्द घूमता है, तो आज जुनेद खान ने 4 ओवर का साबित कर दिया कि मेच्योर प्लेयर ही बड़े इवेंट के अहल होते हैं। नहीं नहीं देखें ऐसी कोई बात नहीं है कि हेड कोच कोई मनमर्जी कर रहा है। अगर आप देखें, अगर आप इस टीम की बात करते हैं, पहले की बात नहीं करता, अगर आप 2017 से बात करते हैं वेस्ट इंडीज से जब से मैं कैप्टन बना, तो ऐसी कोई बात नहीं कि सीनियर प्लेयर। देखें हफीज़ भाई और शुएब भाई थे, इसके अलावा और कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं था, और हफीज़ भाई पिछले टूर पर अगर आप बात करें वो टीम का पार्ट थे, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली उनकी पहली प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही थी, तो जिसकी वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं था। ऐसा नहीं है कि जो भी अगर हफीज़ भाई की बात करते हैं आप, तो हफीज़ भाई सीनियर साइड लाइन बिल्कुल नहीं है, और जुनेद खान की आपने बात की तो ऐसी कोई बात भी नहीं है कि वो साइड लाइन। अगर आप देखें तो 2017 से जब से वो टीम में है वो रेगुलर टीम का मेंबर है, मैचेस खेलता हुआ आ रहा है, सिर्फ उसने एक सीरीज मिस की है जो कि न्यूजीलैंड वाली, जिसमें वो अनफिट हो गया था। अगर आप देखें तो वो टीम का पार्ट है और मुसलसल जो है वो ODI की टीम में, ठीक है फास्ट बॉलर हमारे पास ज़्यादा थे, हमें रोटेट किए, हाँ उनकी बारी लेट आई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि जुनेद को साइड लाइन किया जा रहा है, वो टीम का मेन प्लेयर है, उसने परफॉर्मेंस की, उसने साबित किया कि उसकी टीम में जगह बनती है और अब आगे सारे मैचेस खेलेगा वो। देखें प्रेशर तो आप ऑब्वियसली आपको पता है कि कप्तानी का तो वैसे ही प्रेशर होता है, एज अ पाकिस्तानी कैप्टन कोई भी कैप्टन और प्रेशर होता है, और वैसे जब आप परफॉर्म नहीं करते और आपकी टीम भी हारी हो तो प्रेशर बिल्कुल होता है। और हकीकत बात यही है कि अब मैं बोलूँ कि मैं 6 दिन से नहीं सोया तो ही कोई मानेगा नहीं, लेकिन ये तो लाइफ का हिस्सा है और ये चलता रहेगा। लेकिन मैं पहले यही बोलूँगा कि पैनिक बटन बताने के बजाय बताएं, ठीक है 1-2 चेंजेस होती हैं जब आपकी टीम हारती है, बिल्कुल चेंजेस होनी चाहिए और होनी भी चाहिए, लेकिन लड़के आपके पास यही हैं और आप कोशिश करें कि 2-3 प्लेयर्स और डोमेस्टिक से जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप ए टीम में मौका दें। अगर आप सेशन कमेटी समझती है कि उनको पाकिस्तान टीम में लेके आना चाहिए, बिल्कुल लेके आना चाहिए, लेकिन आपके पास लड़के यही हैं, आपको इन्हीं लड़कों को बैक करना पड़ेगा। फ़खर जमान है, इमामुल हक ने आज अपनी परफॉर्मेंस साबित किया कि वो एक अच्छा प्लेयर है, बाबर आजम है, शुएब मलिक हैं, हसन अली हैं, शदाब हैं, जुनेद खान है, या शाहिन शाह इशरान ने अच्छी बॉलिंग की। देखें लड़के आपके पास यही हैं, क्योंकि अभी इन लड़कों ने अगर आप देखें ओवरऑल तो उनके 20-20 मैच ही हैं, 20 मैच हैं, आज शाहिन शाह के 3 मैच हैं, शदाब के 20 मैच हैं, बाबर के 40 मैच हैं, इमाम के 8 मैच हैं, सिर्फ शुएब भाई के मैच 250 हैं, मेरे मैच 80 हैं या आमिर के मैच 50 होंगे, अदरवाइज जितने भी लड़के हैं वो सब 20-20, 25-25 मैच खेले हैं, तो हमें इनको बैक करना पड़ेगा और पैनिक बटन बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। ठीक है एज अ टीम हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, कैप्टन चीज़ को हम तस्लीम करते हैं। जी सरफराज, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फखर ने परफॉर्म किया, दूसरी सीरीज जो वेस्ट इंडीज सीरीज थी उसमें भी परफॉर्मेंस दी, आप फखर ने इस सीरीज में परफॉर्म नहीं किया, आपने कहा कि उनको मौका देने चाहिए, ये वही लड़के हैं, क्योंकि अब सलमान भट्ट जो थे आमिर भी उसी स्पॉट फिक्सिंग का हिस्सा थे, सलमान भट्ट परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कामरान अकमल परफॉर्म कर रहे हैं, शर्जील खान जो थे वो ओपनर हैं, तो क्या समझते हैं इनकी वापसी आपकी मुशावरत से होती है सिलेक्शन कमेटी के साथ, तो क्या कितना कितनी हद तक समझते हैं कि इनकी वापसी हो? 5-6 सवाल हुआ कह सकता हूँ, ना ही मेरा डोमेन है कहने का, बात देखिए जितने भी लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो सब टीम में आने के लिए रेडी है, और जो सिलेक्शन कमेटी और टीम में किसकी जगह बनेगी वो टीम में जरूर शामिल होगा, ऐसी कोई बात नहीं, किसी भी प्लेयर के लिए दरवाजे बंद हैं, और ये पाकिस्तान टीम सबकी है जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा। लास्ट टू क्वेश्चन,
सरफराज, हम देख रहे हैं कि पहले चार प्रॉपर बैट्समैन आते हैं, उसके बाद ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। क्या समझते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर जो है वो टीम में ज़्यादा आ गए हैं, बैटिंग ऑलराउंडर से कमी दिखाई दे रही है आपको टीम में? हाँ देखिए, अभी अगर आप स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो अगर आप हर चीज़ देखें तो हमारी बैटिंग, हमें ऐसा लगता है कि हमें शॉट खेली, शुरू में हमने कोशिश की कि हारिस विल को भी इंडिया किया जाए कि बैटिंग ऑलराउंडर के थ्रू जाए, लेकिन वो हमें सूट नहीं किया क्योंकि हमें बीच में विकेट चाहिए थी। तो इस वजह से हमने नवाज को और शादाब को खिलाया कि जो मिडिल्स किया हुआ है उसमें हमें विकेट मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अच्छी नहीं रही हमारी टीम में, एशिया कप जो है पूरा जो है हमारी टीम के लिए अच्छा बिल्कुल साबित नहीं हुआ। देखिए बॉलिंग में जो अगर आप बात करते हैं तो बॉलिंग में हम रोटेशन इसी वजह से हम छः बॉलर लेके आए थे क्योंकि वेदर आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्म, तो सबको मौका मिला है, किसी को एक मैच मिला, लेकिन हमने कोशिश की कि जो बेस्ट पॉसिबल बॉलर टीम के लिए फिट साबित हो रहा हो, जो विकेट ले रहा हो उसी को खिलाएं। तो मैं शफलिंग का नहीं है, लेकिन अगर बैटिंग की बात करते हैं तो एक ही बैटिंग खेली है तो बैटिंग ने परफॉर्म नहीं किया, बैटिंग का पैसा मतलब ज़्यादा फॉल्ट है जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।